अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जिस तरह के आप सब देख रहे हैं, गर्मी बहुत जल्दी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। तो आज हम आपको मिंट मार्गरीटा बनाने का तरीका बताएंगे और दिखाएंगे। तो कैसे आप अपने घर में मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको चीज़ें दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो आपको ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो आपके पास ब्लैक साल्ट होना चाहिए, वो आप ले लें जितना आपने बनाना है उसके मुताबिक, थोड़ा सा अपने पास रख लें। और शुगर आपको चाहिए होगी, शुगर भी आपके हमारे पास मौजूद है। और लेमन सीरम आप किसी बर्तन में किसी गिलास में निकाल के रख लें जो इस्तेमाल होगा इसमें। और इसके अलावा मिंट जो कि इस तरह आप बना लें और अपने पास रख लें। ये चीज़ें मिंट मार्गरीटा में इस्तेमाल होंगी। और इनके अलावा स्प्राइट बोतल आप ले लें, बाजार से ले लें स्प्राइट बोतल ले लें। और इसके अलावा जो है आइस वो घर ले लें, क्रश करके आइस को इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो मिंट मार्गरीटा में इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस या कोई इतनी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं है। इनकी क्वांटिटी और मिकदार जो है उसी का उसके अंदर बैलेंस करके तो बना लेंगे। तो इसकी तैयारी हमारे पास चीज़ें सब रेडी हैं। ये मिंट हमारे पास बिल्कुल रेडी है और हम ये सीरम शुगर साल्ट और बहुत हर चीज़ हमारे पास मौजूद। तो इनको हम प्रोसेस किस तरह करेंगे आइए वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जो जूसर या ग्राइंडर अपने घर में लेंगे तो उसके अंदर जो है आपको मिंट सबसे पहले डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिकदार के मुताबिक चार ग्लास बनाने के लिए जितना काफ़ी हो ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो जो कि हम चार पर्सन के लिए चार ग्लास हम बना रहे हैं, तो ये हमने जो मिंट है वो भी चार लोगों के लिए डाला है। और हम चार चम्मच इसमें शुगर डालेंगे। तो इसके बाद ब्लैक सॉल्ट वो जो हाफ चम्मच जो है ना, हाफ स्पून, ये 4% है तो 4 दफा इसमें इस्तेमाल करें। ये देखने को क्वांटिटी तो थोड़ा सा और था। ये लेमन वाटर जो है ना ये 4 चम्मच इसमें डालेंगे। अब देख रहे हैं थोड़ा हमने कम डाला है, सो हम थोड़ा सा इसे और डाल लेंगे, ठीक है। हमारी सारी चीजें इसमें पूरी हो चुकी हैं। तो अब इसमें स्प्राइट बोतल जो है वो अपने आप इसमें डालेंगे। तो इतनी काफ़ी होगी हमारे चार ग्लास बनाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें हमने बर्फ डालनी है। क्रश कर लेंगे पहले ताकि बाद में इसके अंदर बर्फ डालेंगे। इसमें अब बर्फ डालने की बारी आ चुकी है। अब इसमें आखिरी चीज जो है बर्फ डालेंगे। बर्फ इसमें थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है, इतनी बर्फ काफी होगी हमारे लिए। तो इसे दोबारा जो है ना एक दफा दोबारा इसे स्टार्ट करेंगे। मेरी बिल्कुल रेडी है, एक दफा अंदर से दिखाएं राम साहब। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा बिल्कुल रेडी होने के बाद। तो ये बिल्कुल हमारा ग्लासों में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। Thank you.
हर चीज की मिकदार।